नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर जो मॉडल पेपर टू है मैथ्स uh, और इंग्लिश में डिस्कस कर चुका हूँ इसमें जीएस के कुछ क्वेश्चंस होंगे लगभग बीस पर एक चीज़ दिमाग में रखना कि जी एस हो गया या फिर आपका उसी में जो इंडस्ट्रियल लेबर लॉज आ गए या आपके या सिक्योरिटी लॉज आ गए थोड़ा मिक्सड हो रखे हैं क्वेश्चन तो दिक्कत मत लेना कि बोल के जी में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं ठीक है ना तो सॉल्व करते हैं जीएस का पेपर तो पहला क्वेश्चन लिखा अच्छा मैं एक चीज और बता दू यूपीएससी ये क्वेश्चन बनाता है थोड़ा यूपीएससी लेवल के बनाता है ठीक है ना अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें तो डीपली समझने की कोशिश करना बेहतर करने की कोशिश करना और जो पी आपको मैं दूंगा जितनी भी चीजें लिखी होंगी यहाँ पे इनको एक बार पढ़ के जो जो चीजें आपको लगती हैं कि नहीं है उन्हें लिखते जाना ठीक है ना तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आर करेक्ट तो पहले तो की पॉइंट पकड़ लिया कि करेक्ट बताना है रिगार्डिंग द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा था कांग्रेस पार्टी एडॉप्टेड रेजोलूशन टू स्टेबलाइज़ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन इट्स अबादी सेशन इन द 1955 फिफ्टी ज्यादातर जो हम सेशन याद करते हैं कांग्रेस uh, के वो करते हैं कौन से प्री इंडिपेंडेंस से तो ये जो आपका है ये पोस्ट इंडिपेंडेंट है अवधि में हुआ था नाइनटीन फिफ्टी फाइव में तो ये बिल्कुल सही है दूसरा फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवनटी सिक्सल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सोशलिस्ट वर्ड था वो भी जोड़ा गया था आपका 1976 में ये याद रखना ठीक है ना इंदिरा गांधी के टाइम पे ठीक है ना और एक ही बार आपका क्या हुआ है कि प्रेमबल में चेंजेस देखने वाला है संशोधन हुआ है वो फोर्टी सिक्स अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है नेक्स्ट लिखा है पेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज जस्टिस नहीं 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 पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका कौन सा था अमेंडमेंट और एक सेकेंड है बेरोबारी के बाद कौन सा आया था आपका जो मेरे दिमाग से उड़ गया अरे एक सेकंड रुको यहाँ पे लिखा हुआ है शायद से हाँ केशवानंद भारती केस तभी बोलो यार दिमाग से कैसे के। उड़ गया केशवानंद भारती केस में ये था कि प्रियम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं ठीक है ना पर संविधान के मूल जो बोल सकते हैं मूल रूप है उसमें बिना कोई यानी छेड़छाड़ किए हुए चेंजेस किए जा सकते हैं तो प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ जस्टिसेबल जस्टिसेबल नहीं है जस्टिसबल नहीं ये नॉन जस्टिसेबल है तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग ठीक है ना तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है ना पर आपका क्या नहीं जस्टिसबल नहीं है तो आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा तो लिखा हुआ था प्रेमबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूवड बाय जवाहरलाल नेहरू ऐसे में अगर प्रेमबल की बात करूं तो ये अमेरिका के संविधान से भी प्रभावित है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी प्रभावित है और आपका कैनेडा से भी प्रभावित है ठीक है ना ऑस्ट्रेलिया से भी प्रभावित है और इसमें रशिया रशियन कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं यू से भी प्रभावित है ठीक है ना तो मैं बता देता हूँ आपको मेनली अगर पूछा जाएगा जैसे जो बोल सकता है टाइप जो है वो किससे ले रखा है वो ले रखा है कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से जो जिस तरीके की लैंग्वेज वो ले रखी है अमेरिका से जो बोल सकते हैं शीर्षक है वो उठा रखा है <coughs> तो लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं भाई जी जवाहलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द प्रेमल रिवील्स फोर इनग्रीडियंट्स ऑफ द कॉम्पोनेट्स तो पहला है सोर्स सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिशन द प्रेमल स्टेट दट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्राम द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स इज डिक्लेयर इन इंडिया टू बी द सोवेरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्बलिक पॉलिटी और ये याद रखना है कि यह भारत का इस तरह की ये पैटर्न है आपने याद रखना है कि पहले सोवेरन आता है कई कई बार पूछा जाता है ये ठीक है ना सोवेरन है संप्रभु है सोशलिस्ट है आपका समाजवादी है सेकुलर है आपका <coughs> धर्मनिरपेक्ष है डेमोक्रेटिक है आपका और रिपब्लिकन हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट स्पेसिफाई द जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी इन द फ्रैटर्निटी तो ये कुछ वर्ड्स ले रहे हैं ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यून कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रहे हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की गुड फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका सेवनटीन टू नाइन्टी के बीच में हुआ था तो ये वर्ड्स वहाँ से उठा रहे हैं आपके ठीक है ना अच्छा नेक्स्ट चलते हैं डाटा ऑफ द द ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो दुलेटेड नवंबर uh, 26 1949 को आपका तैयार हो गया था <coughs> आगे लिखा हुआ है द वर्ड सोशलिज्म इज एडेड बाय सोशलिज्मी सेकंड अमेंडमेंट इन द नाइनटीन द प्रेम्बल ऑफ द इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये भी सही है दोनों सही हो गए और तीसरा जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यून सोशलिस्ट नेचर इन द फॉर्म अच्छा याद रखना कैसा नेचर हमारा सोशलिस्ट है ठीक है ना फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएस विद एस कांग्रेस पार्टी अडॉप्टेड द रेजल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन द अव सेशन इन द 1955 तो फर्स्ट वाला भी सही हो जाता है हर द इंडियन ब्रांड ऑफ द सोशलिज्म अभी याद रखना कि जो सोशलिज्म है वो किस प्रकार का डेमोक्रेटिक है ना कि कम्युनिस्ट है याद रखना कम्युनिस्ट जो विचारधारा चलती है वो रशिया में चलती है या फिर आपका चाइना में चलती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड फेथ इन द मिक्स्ड इकॉनमी भारत की इकॉनमी कैसी आपकी मिक्स्ड इकॉनमी है दोनों आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट या प्राइवेट पब्लिक दोनों तरीके की जो आपको देखने में मिलता है इकोनॉमी में क्या हिस्सा है, है। जैसे बोलते हैं पीपीपी मॉडल पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भारत में चलता है मतलब दोनों तरीके की कंपनीज़ काम करती हैं प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी अच्छा आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड द पॉवर्टी इग्नोरेंस डिस एंड द इन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया इंडियन सोशलिज्म ब्लैंड ऑफ द मार्क्सिज्म एंड द मार्क्स विचारधारा पर प्रभावित और गांधी विचारधारा से हमारा क्या संविधान का जो क्या है बोल सकते हैं सोशलिज्म है वो प्रभावित है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो पढ़ लिया मैंने द न्यू इकोमी पॉलिसी ऑफ द लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो ये एल पी जो बोले जाते हैं आपके ये 1991 में आपका क्या हुआ था आपका स्टेबलाइज हुआ था हावे डायलोर्टेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ द इंडियन स्टेट टू द एन एक्सटेंट आगे लिखा दो तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन केस जो नाइनटीन में आपको देखने को मिला था <coughs> बॉर्डर डिस्प्यूट था जो uh, जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था उसमें पाकिस्तानी बोलते थे तो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का आपका कौन है बांग्लादेश तो बॉर्डर डिस्प्यूट था उससे रिलेटेड था आपका <coughs> उसके बाद क्या था कि उस समय ये बोला गया था कि किसका पार्ट नहीं है आपका संविधान का पार्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि किसका पार्ट नहीं है आपका संविधान का पार्ट नहीं है जबकि ये बदल दिया था उन्होंने ठीक है ना अपना वर्डिक किया था केशवानंद भारती वर्स स्टेट ऑफ केरला एक्ट द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल द रूलिंग ऑफ द यूनियन केस नाइन है द बल ऑफ द पार्ट ऑफ द दिन जिसमें उन्होंने बताया कि प्रेम किसका पार्ट है प्रस्तावना किसका पार्ट है संविधान का पार्ट है द प्रेमल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ द पावर टू विद लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ना ही ये क्या करता है सोर्स है किन की सख्ती होगा लेजिस्लेचर की ना ही ये प्रोहिबिट करता है पावर्स को किन की लेजिस्लेचर इट इट इज नॉन जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल मतलब इनके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते कोर्ट में नहीं जा सकते ठीक है ना और विच मीन जैसे डीपीएसपी होते हैं तो वो भी नॉन जस्टिसेबल होते हैं आपका जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल होते हैं आप उनके लिए कहाँ जा सकते हैं कोर्ट में जा सकते हैं तो नॉन जस्टिसेबल विच द प्रोविजन आर नॉट इन द कोर्ट ऑफ द लॉ तो ये थोड़ा दिमाग बना थर्ड वाला गलत हो जाता है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अच्छा पहले ये देख लेते हैं तो भारत के उद्देश्य का तो ये हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये हमने ले रखा अमेरिका से वहां पर बोला जाता है पीपल ऑफ अमेरिका तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इन टू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये याद रखना यह पूरा पैटर्न पहले सोवेरियन है संप्रभु देश है हमारा फिर सोशलिस्ट है समाजवाद है सेक्युलर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो सोशलिस्ट जो वर्ड था वो जुड़ा गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के थ्रू फिर जस्टिस आता है जस्टिस जो है वो ये जस्टिस सोशल जस्टिस इकोनमिक जस्टिस और पोटेंशियल सॉरी पोलिटिकल जस्टिस मैंने इसे सेफ से याद कर रखा है एस ई एफ ऐसे आप ये याद कर लेना सोसलिस्टिक इकोनॉमिक और पोलिटिकल सेप सॉरी सेप

और आर्थिक है और आपका कैसा है पॉलिटिकल राजनीतिक है अच्छा विचारों की अगर बात करें तो जस्टिसिबल किस तरीके का है तो, तो यहाँ पे देखो विचार अभिव्यक्ति व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता है ठीक है ना तो ये लिबर्टी आ गई आपकी स्वतंत्रता इक्वलिटी किन की चीज़ों की प्रतिष्ठा और अवसर की समता है समानता है हमारे पे इक्वालिटी है और प्राप्त कराने की ठीक है ना और उसके बाद अखंडता आती है

कि बेचो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फिर से करेक्ट बताना है अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमिशन एक आपका कैसी बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल ठीक है ना आर्टिकल टू एटी आपका रिलेटेड है किससे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से दोस्त दो, दो सौ अस्सी ठीक है ना दो सौ अस्सी तो लिखा हुआ था एलिजिबिलिटी ऑफ द मेम्बर ऑफ द फाइनेंस कमिशन इज डिटर्माइंड बाई द प्रेसिडेंट ये गलत है प्रेसिडेंट नहीं करता कि एलिजिबिलिटी क्या होगी ये तय करता है हमारा कौन पार्लियामेंट ठीक है ना द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द नाइनटीन फिफ्टी वन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी फाइव ईयर्स चलो एक क्वेश्चन है होमवर्क है आपके लिए आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे ठीक है ना नहीं तो मैं uh, खुद ही क्या कर दूंगा कॉमेंट बॉक्स में क्या कर दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा ठीक है ना तो अभी कौन सा है तो वो चल रहा है अभी आपका फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन चल रहा है और जिसके आपके कौन है एन के सिंह है फाइनेंस कमीशन सबमिटेड द तो ठीक है पांच साल के लिए होता है आपका ये ठीक है ना जो रिकमेंडेशन है वो 2022 से लेके 2027 तक ये मान के चलिए आपका है चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अब देखो यहां पे उल्टा है ना ही प्रेसिडेंट याद रखना आप याद रखना कि जो यहाँ पे लिखा ना पहला वाला लिखा हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी तय करता है वो प्रेसिडेंट नहीं करता मैंने बोलता पार्लियामेंट करता है और जो रिपोर्ट सबमिट करता है फाइनेंस कमीशन कमिशन पार्लियामेंट को नहीं करता वो प्रेसिडेंट को करता है प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट को दिखाएगा तो यहां पे चौथा भी गलत है और पहला भी गलत है मतलब इंटरचेंज करना है बस और कुछ नहीं है तो आंसर जो होने का टू एंड थर्ड के आपका करेक्ट हो जाएगा तो लिखा हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी फाइव बिल्कुल सही है द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वर्स कॉन्स्टिट्यूट इन फिफ्टी वन द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज डिटरमाइंड बाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देखो लिखा हुआ ना तो ये डिटरमाइन जो करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करती है तो चेयरमैन ऑफ द तो फाइनेंस कमीशन सबमिट इस रिपोर्ट्स टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फोर्थ इज इन करेक्ट अब सबमिट किसको किया जाता है प्रेसिडेंट को आगे लिखा हुआ है कि दे मेक द रिकमेंडेशन ऑन नेट प्रोसीड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स हाँ ये याद रखना कि टैक्स का जो क्या होता है आपका बांटा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कलेक्शन होता है वो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में ये तय कौन करता है आपका फाइनेंस कमीशन ही करता है जैसे इस बार क्या था कि सेंटर स्टेट्स को कितना देगा तो फोर्टी वन परसेंट देगा टैक्स है वो क्या कर देगा स्टेट्स को दे देगा टोटल मतलब अगर सौ रुपए कलेक्ट करता है आपका कौन सेंटर तो इकतालीस रुपए लिखा हुआ यूनियन एंड स्टेट इन एड फॉर दी एफ आई जैसे बोलते हैं और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है वो पैसा कौन निकाल सकता तो पार्लियामेंट्री क्या कर सकती है आपका उस पर डिसीजन ले सकती है ना प्रिंसिपल द मेजोर ऑक्यूमेंटेशन ऑफ द सी एफ एस कंसोलेटेड फंड ऑफ इंडिया एक कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल टू सिक्स सेवन में ये, है। ये आपका इमरजेंसी फंड होता है ये तब होता है जब पार्लियामेंट आपकी किस में नहीं होती जब आपका बोलते हैं सेशन में नहीं होती ठीक है ना सेशन में नहीं होती जब संसद का काम नहीं चल रहा होता है तो उस समय कॉन्टीचेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है वो निकाल सकता है प्रेसिडेंट और वो उसकी लिमिट है पांच सौ करोड़ ठीक है ना तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आगे इन द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन एंड बाय द प्रेसिडेंट द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस इन द प्रोसीजर एंड द पावर आर डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट लॉ करंट फाइनेंस कमीशन कौन सा फिफ्टींथ है दो हजार में आपका फॉर्म हुआ था बनाया गया था रिपोर्ट सबमिट कर दी थी इसने पिछले साल और दो से आपका इलेक्टेड हो जाएगा अच्छा चेयरपर्सन कौन है नंदन नंदकिशोर सिंह जो एन सिंह है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट बट द डिस्कशन कैन बी हेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द सी एफ आई तो पहले एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ टू बी सो चार्ज बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है पार्लियामेंट तय करती है कि फंड से कितना एक्सपेंडिचर निकाला जाना चाहिए यानी कि कॉन्सोल्टेटेड फंड ऑफ इंडिया किस तरीके से आपका क्या कर देगा एक्ट करेगा तो ये पार्लियामेंट तय करती है ठीक है नेक्स्ट लिखा हुआ है डेट चार्जेस फॉर द द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लियबल बिल्कुल सही है कि जितना भी आपका क्या होता है उधार होता है सरकार पे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी गवर्नमेंट लेगी ठीक है ना लियेबिलिटी जवाबदारी नेक्स्ट लिखा हुआ एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट बिल्कुल सही है ठीक है ना तो एनी सम रिक्वायर्ड फॉर टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और द अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट ठीक है ना इसे मैं समझा दूंगा अभी

पर जब ये रिटायर होते हैं हाईकोर्ट के जो जब जज जब, जब रिटायर होते हैं तब उनकी जो पेंशन होती है वो कहाँ से दी जाती है तब वो आपका सेंटर से दी जाती है सेंटर का से जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग अच्छा देखो तो यहाँ पे चारों के चारों सही है तो आंसर बन जाएगा वन टू थ्री फोर तो लिखा हुआ था आर्टिकल टू सिक्सटी सिक्स वन जो आपका कॉन्सोटेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट टैक्सेज लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्मेंट रिटर्निंग ऑफ द लोन्स इंटरेस्ट ऑफ द लोन्स टू द गवर्मेंट बाई द अदर्स द गवर्मेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम द दिस फंड ठीक है तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है जितना आया गया ये सारा हिसाब किसम होता है कंसोलीटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है कितना देना है कितना लेना है ये सारा किसम होता है कंसोडिटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है द गवर्नमेंट नीड द पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड मैंने बताया था कि पैसा गवर्नमेंट तभी निकाल सकती है जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है ठीक है ना द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट बट द डिस्कशन कैन बी हेल्ड द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो इसके क्या करता है निगरानी करता है वॉस डॉग होता है ऑफ द इंडियन ऑर्डिटर दीज फंड एक्सपेंडिचर्सिचर्स चार्ज अप ऑन द कंसोलेटर एंड द अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इट्स ऑफिस ठीक है ना द सैलरीज ऑफ द अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ये सारा यहीं से दिया जाता है डेट चार्जेस फॉर द गर्वमेंट ऑफ इंडिया इज लियेबल इलूडिंग द इंटरेस्ट सेंकिंग फंड चार्जेज एंडमशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बी टू द रेजिंग ऑफ द लोन एंड द सर्विस अंदर ऑफ द डेथ याद रखना कि जितना भी मान लो कि गवर्नमेंट इंडिया जितना भी आपका कह लेती है मान लो वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया कुछ भी लिया तो कंसोल्टेटिव फंड ऑफ इंडिया में ही जमा होता है ये थोड़ा दिमाग में रखना द सैलरीज अलाउंस एंड द पेंशन वॉर पेबल टू ऑर रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड तो यह भी सही है आपका इन पेंशन पेबल टू ऑर इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट द पेंशन पेबल टू ऑन रिस्पेक्ट ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट ठीक है तो यहीं से आपका क्या होता है देखो सुनो जो आपकी पेंशन पेबल होती related. है जजेस से रिलेटेड ठीक है ना फेडरल कोर्ट की तो वो यहीं से, तो 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 यही से आती है देखो सैलरी तो आती है सुप्रीम कोर्ट की फेडरल कोर्ट वही होता आपका सुप्रीम कोर्ट तो सैलरी तो यहीं से आती है हाई <coughs> कोर्ट के जो होते हैं उनकी सैलरी यहां से नहीं आती तो वो स्टेट कॉन्सोलिटेटिव फंड ऑफ से आती है ऑफ इंडिया से आती है हाँ पर पेंशन जो मिलती है उन्हें तो यहीं से पेबल होती है आपकी ठीक है ना तो ये थोड़ा दिमाग में रखना तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है आप पढ़ लेना ठीक है ना और क्या लिखा हुआ है कुछ है इसमें ठीक है ना लिखा हुआ एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड एनी कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इसमें क्या होता है आपका आर्बिट्रल Tribunal आपका सेट होता है या फिर कोर्ट के करती इन सारी चीजों को सेटिसफाई करने की कोशिश करती एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बाय द लॉ टू बी सी टू वी चार्ज स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट होता है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट यहां पे देखो नॉट करेक्ट अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आपको देखने को मिलता है 1784 को तो मेनली किस लिए था ये तो लिखा हुआ है तो इट डिस्टिंग द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी बिल्कुल सही है कि कंपनी के जो कौन से थे कमर्शियल अधिकार थे पॉलिटिकल जो फंक्शन थे उनको इसने अलग अलग किया ठीक है ना तो ये आपने याद रखना है ठीक है अच्छा नेक्स्ट चलते हैं तो लिखा हुआ है इट प्रोवाइड फॉर द स्टेब्लाइजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता तो बस यहीं पे गलत हो गया ये सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था वो रेगुलेटिंग एक्ट था आपका मैं कई बार डिस्कस कर चुका रेगुलेटिंग एक्ट था आपका जो सेवनटीन uh, सेवनटी का जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट फॉर्मड हो गई थी आपकी कप सेवनटीन में सर एलिजा एम पे आपके पहले कौन थे चीफ जस्टिस थे सर एलिजा अगर स्पेलिंग गलत दिख रहा होगा तो माफ करना यार सर एलिजा इन पे ये थे और इनके साथ तीन और जजेस थे ठीक है ना अभी वर्तमान में देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में चौबीस जजेस हैं वन प्लस थर्टी थ्री बोलते हैं तो एक सीजे है और सीजे आई कौन से आपके तो वो हैं आपके एन वी रमन्ना ठीक है नए बने अच्छा लिखा इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिल्कुल सही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म होता है इस टाइम पे और आगे लिखा था द टेरेटरीज इन इंडिया वर फोर द फर्स्ट टाइम कॉल द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बिल्कुल सही है तो लिखा पिट्स इंडिया एक्ट तो दूसरा अलग अलग है ठीक है ना तो पिट्स इंडिया एक्ट सेवेंटी एटी फोर डिस्टिंग इज बिटवीन द कर्मशल पॉलिटिकल द कंपनी इट अलाउड द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ठीक है ना कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट द क्रिएट अ न्यू बॉडी कॉल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स तो देखो डायरेक्टर ऑफ द मैनेजिंग जो मैनेज था कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वो कमर्शियल अफेयर्स को क्या करता मैनेज करता था पर पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता आपका हुआ था इट थाब्लाइज सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट तो याद रखना कि डबल गवर्नमेंट क्या था कि कमर्शियल और जो आपका पॉलिटिकल फंक्शन था उसे अलग अलग करना और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करना फॉर्म करना इट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन

जिसमें आपका क्या था कि आपका एक चीफ जस्टिस थे वो मैंने बता दिया सर एलिजाम पे थे और तीन अदर जजेस थे तो ये थोड़ा दिमाग में रखना नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का काफी इंपॉर्टेंट था तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में से कौन सा कौन सा क्या लिखा हुआ है इनकरेक्ट गलत कौन सा है तो गलत बताना है पहले लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड नो कंट्रोल ओवर द बजट बिल्कुल सही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बजट से रिलेटेड कोई भी कंट्रोल नहीं था तो ये तो सही है मतलब ये तो आंसर नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिस्कस द एग्जीक्यूटिव एक्शन ये यहाँ पे गलत हो गया ठीक है ना उनके पास डिस्कशन के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन को डिस्कस करने की पावर नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में और तीसरा लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को डिसलाओ और लेजिस्लेशन बिल्कुल कर सकता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब इंट्रोड्यूस हुआ था तो आप जानते हैं नाइनटीन फिफ्टी एट का जो आपका सॉरी मैंने नाइनटीन फिफ्टी एट लिख दिया 1858 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जब पावर क्या चली गई थी आपकी कंपनी से ट्रांसफर हो गया किसके पास जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास जाती है तो ब्रिटिश क्राउन क्या करता है उसी टाइम पे क्या होता है आपको देखने मिलता है कि जो गवर्नर जनरल रहता है गवर्नर जनरल का जो पद रहता है वो बदलकर वायस राय के नाम से जाना जाने लगता है दूसरा ठीक है ना ब्रिटिश क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव होता था इंडिया में उसे भी होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो याद रखना बिना इसके कोई भी फैसला लेना क्या होता था टफ होता था किसको को वाइस राय को तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा जो गलत है वो है आपका लेजिस्लेटिव डिस्कस नहीं करती थी एग्जीक्यूटिव एक्शन को तो सेकंड ठीक है ना तो लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ लेता हूँ प्रोविजन अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 सिक्सटी The 1861 Act marked an advance in that the principle of the representative of the non-official in the legislative body. ये पहला वो act था जिसमें non-officials क्या कर सकते थे legislative bodies में क्या करते participate कर सकते थे। उससे पहले officials ही आते थे। Become accepted, laws were to be made after a due deliberation and as pieces of the legislation they could be changed only by the same deliberate deliberative process. Lawmaking was thus no longer seen as the exclusive business of the executive. the portfolio system introduced by the lord Canning time period the the foundation of the cabinet government in india each branches of the administrate, uh, administrations have its office head and the spokeman's in the government who was responsible for its ad, uh, administrations the act by vesting act by the legislative powers in the government of the bombay and madras dono jagatha and by making the provisions or institution of the similar uh, legislative council in other provinces laid the foundation of the legislative devolutions नेक्स्ट लिखा हुआ था काउंसिल कुड नॉट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स याद रखना ये डिस्कस नहीं कर सकते एंड नो फाइनेंशियल मैटर एट ऑल विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट बिना गवर्नमेंट के ये कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती थी ठीक है तो याद रखना दे हैड नो कंट्रोल ओवर बजट तो पहला वाला सही हो जाता है कोई कंट्रोल नहीं होता था दे कुड नॉट डिस्कस एग्जीक्यूटिव एक्शन हैंस तो दूसरा वाला गलत हो जाता है फाइनल पासिंग अच्छा लिखा फाइनल पासिंग ऑफ द बिल नीडेड वाइस राय अप्रूवल याद रखना कोई भी, भी बिल पास होना था उसको उसके लिए अप्रूवल किसका चाहिए होता वाइस राय का चाहिए था पर वो ये देखो इवन इफ अप्रूव बाय द वाइस राय अगर वो पास भी कर ले तब दूसरी बार क्या होता था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी वहाँ पर पावर होती थी कि वो डिसअलाउ कर सकता था लेजिस्लेशन को ठीक है ना तो लिखा हुआ ना देखो कि इवन इफ अप्रूव बाय द वॉयस राय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को डिसलाउि लेजिस्लेशन इंडियन एसोसिएट्स एज नॉन ऑफिशियल वर्क मेंबर ऑफ द एलाइट सेक्शन ओनली याद रखना कि इंडियन जो एसोसिएट थे वो नॉन ऑफिशियल की तरह यहाँ पर काम करते थे पर वही ये कि पावर नहीं दे रही की थी भाई लेजिस्टिव ले काउंसिल को नेक्स्ट आता महात्मा गांधी वर्क एज द एडिटर एंड एडिटर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर तो ये आपका इंडियन ओपिनियन है इंडियन ओपिनियन 1903 से 1915 तक आपका चला था न्यूज पेपर एक्सिस्टेड बिटवीन दिन जीरो फिफ्टी एंड वॉज अ टूल टू फाइट एशियन डिस्क्रिमिनेशन एंड विन सिविल राइट्स फॉर द इंडियन इमिग्रेंट्स कम्युनिटी इन द साउथ अफ्रीका क्योंकि आप जानते हैं कि जब महात्मा गांधी आए थे तो वो आए थे आपके नाइन्थ ऑफ जनवरी को आए थे भारत में नाइनटीन फिफ्टीन से कहाँ से आए थे साउथ अफ्रीका से आए थे इसी दिन को दो हजार तीन से अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से आपका क्या मनाया जाता है एनआरआई टी मनाया जाता है अब इसे बायानल कर दिया गया हर दो साल में मनाया जाता है ये तो ये थोड़ा याद रखना अच्छा द लीडर की अगर बात करूँ ठीक है ना अच्छा और चीज़ों की बात करूँ तो न्यूज़ पेपर वॉज पब्लिड इन इंग्लिश एंड गुजराती एंड द शॉर्ट पीरियड ऑफ हिंदी तो इंग्लिश में पब्लिश हुआ है गुजराती में भी हुआ है हिंदी और तमिल में भी हुआ है द अदर न्यूज़ पेपर एसोसिएट विद महात्मा गांधी जो नवजीवन यंग इंडिया और हरिजन हरिजन लगभग नाइनटीन थर्टी टू के आसपास था जब वो मिले थे किससे आपका भीमराव अम्बेडकर से थे जब पूना पैक्ट साइन हुआ था लीडर जो आपका है लीडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मदन मोहन मालवीय थे इसके फाउंडर और जिन्होंने फाउंड किया था और सी चिंतामणि जो थे उसके एडिटर थे इंडिपेंडेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ इसे स्वतंत्रता भी बोला जाता है कन्फ्यूज मत होना इंडिपेंडेंट को ठीक है ना तो ये आपका मोतीलाल नेहरू का है मोतीलाल नेहरू ठीक है ना ये मैं करा चुका हूँ किसी वीडियो में कराया आई थिंक एन में आ रखा था कहाँ पर था उस वीडियो मैंने कराया था उन्नीस सौ उन्नीस की बात है उन्नीस की बात है ये इलाहाबाद से पब्लिश होता था आपका मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ कहाँ से होता था पब्लिश हाबाद से पब्लिड होता था ये थोड़ा दिमाग में रखना तो अगर इंडिपेंडेंट आता है या फिर आपका स्वतंत्रता आता है तो कन्फ्यूज मत होना तो मोतीलाल नेहरू उन्नीस तो ठीक है भाई कौन सा हो जाएगा केवल और केवल कौन सा होगा ओनली ए e. ठीक है ना नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आता है कि मैच uh, द तो आपके इंडिविजुअल सत्याग्रह था 1940 के आसपास का ठीक है ना बारदोली सत्याग्रह आपका किससे सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड महात्मा गांधी से रिलेटेड आपका चंपारण सत्याग्रह और अली ब्रदे से रिलेटेड आपका खिलाफत है रिल तो अली बुदस्त कौन थे मोहम्मद अली, अली. अली और शौकत अली ये दो भाई थे ना मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो भाई थे ठीक है ना और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी इसे सपोर्ट किया था आपका क्या था ऑटोमन एम्पायर था जो ठीक है ना ऑटोमन एम्पायर टर्की की तरफ आप जानते हैं तो वहां पर खलीफा का पत होता था तो खलीफा आप जानते हैं ना खलीफा पहले इसी का अप्रूवल जितने भी यानी शासक होते थे मुगल शासक ज्यादातर जो आपकी कौन जहाँ दिल्ली सल्तनत हुआ है तो उनका जो अप्रूवल होता था जैसे मैं बता दूं जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रूवल किससे मांगती थी ब्रिटिश क्राउन से मांगती थी उसी तरीके से कई सारे आपके दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए या फिर आपका मुगल शासक हुए वो अप्रूवल कहाँ से मांगते थे खलीफा से मांगते थे टर्की में तो काफ़ी बड़ा पद माना जाता था ठीक है पैगम्बर के बाद यही माना जाता था आपका पद तो ये थोड़ा दिमाग में रखना ठीक है ना खलीफत को मानने से मना किसने कर दिया था तो वो था आपका कौन अलाउद्दीन खिलजी तो ये थोड़ा दिमाग में रखना ठीक है ना और ये खिलाफत मोमेंट आपका 1919 से चला था 1922 तक चला था ये थोड़ा दिमाग पर रखना भारत में ठीक है ना नाइनटीन के आसपास का ये है बारदोली आई थिंक 1928 के आसपास का है ठीक है ना मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ अगर गलती होगी तो कर लेना सही चंपारण जो था वो बिल्कुल शुरुआत का था नाइनटीन के आसपास का तो आंसर बन जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन ए ठीक है ना तो पहले आते हैं कौन विनोवा भावे तो विनायक नरहरी विनोवा भावे वॉज एन इंडियन एडवोकेट ऑफ द नॉन वायलेंस एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ एन कॉल द आचार्य ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द भूदान मोमेंट एक और चीज़ है जो आपका कौन सा रैमन मैक्से पुरस्कार है नाइनटीन सिक्सटी सेवन में स्टार्ट होता है नाइनटीन सिक्सटी सेवन में नाइनटीन सिक्सटी एट में रैमन मैक्से पुरस्कार जो दिया जाता है एशिया का नोबल प्राइज़ बोला जाता है विनो भवे को मिला है पहले भारतीय थे जिन्हें मिला था अच्छा खिलाफत मोवमेंट था तो पेन इस्लामिक फोर्स इन द इंडिया दैट अरोज इन द नाइनटीन नाइनटीन एन एफ ओर टू द इन एफर्ट टू द स्ले विच ऑफ द ऑटोमन खलीफा इन द सिंबल ऑफ द यूनिटी अमंग द मुस्लिम इन इंडिया अच्छा महात्मा गांधी ने भी इसे सपोर्ट किया था उसी समय आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था द चंपाना सत्याग्रह नाइनटीन सेवनटीन द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय द गांधी जी दार हाउ इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिन टू ग्रो द इंडिगो विद द बार्ली एनी पेमेंट ये आप जानते हैं कहाँ था बिहार में बारदोली सत्याग्रह नाइनटीन ट्वेंटी एट गुजरात में हो रहा था इंडिया ड्यूरिंग दीरियड ऑफ ब्रिटिश दास वज मेजर एपिसोड ऑफ द सिविल डिसोबीडेंट एंड ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये वही सत्याग्रह था जहां पे यानी कि बोलते हैं कि गुजरात की जो किसान महिलाएं थी उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी इज अ स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन सीपीसीबी प्रोवाइड द टेक्निकल सर्विसेज ठीक है ना लिखा हुआ है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीब इज अ स्टेटोरी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है भाई पहला तो ये सही है मैं बता देता हूँ ये एक्ट जो आपका आया था वो 1974 का है तो ये स्टैटूटरी बॉडी है जब एक्ट के थ्रू कोई चीज पास होती है तो वो आपका किस में आ जाता है स्टैटूटरी बॉडी होती है विधिक विधिक निकाय बोलते हैं सी पी सी बी प्रोवाइड द टेक्निकल सर्विसज टू द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ये भी सही है सी पी सी बी एग्जीक्यूटिव और नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ द एम्बियन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नोन एज द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एन ए एम पी तो ये भी सही है ठीक है ना फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है लिखा हुआ है सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी द सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कॉन्टीट्यूट इन द अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये जरूर याद कर लेना आप लोग तो पहला सही होता है फर्दर सी पीसीबी वॉज इंटरेस्टेड विद द पावर एंड द फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1981 ये भी याद कर लेना इट सर्व्स द एज अ फील्ड फॉर्मेशन एंड आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ द इनवायर एंड फॉरेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइन अभी कौन है आपके मिनिस्टर तो प्रकाश जावड़ेकर है ठीक है ना फंक्शन क्या है तो प्रिंसिपल फंक्शन होता एज स्पेल्ड आउट इन द वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट एंड द एक्ट ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन To promote the cleanliness of the streams and the wells in the different areas of the state by the prevention, control, and the abatement of the water pollution, and to improve the quality of air to prevent the control to abate the air pollution in the country. Then, the National Air Quality Monitoring Program or the Center Pollution Control Board is the executive of nationwide program of the ambient air quality monitoring known as the National Air Quality. मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग प्रोग्राम नाम जिसे बोलते हैं ठीक है ना द नेटवर्क कंसिस्ट होता है थ्री फोर्टी फोर सिटीज टाउन इन द टेंटी स्टेट्स एंड सिक्स टाइम की बात है द ऑबजेक्टिव दिन पी आर टू भी डिटरमाइन दिटस एंड द ट्रेंड ऑफ द एमबीएड अभी कितने आपके तो अभी अट्ठाइस राज्य हैं और आपके कितने है? टोटल मिला के आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं टू ठीक है ना असर टेन वेदर द प्रिस्क्राइब्ड एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर वायटेड टू आइडेंटिफाई द नॉन अटेनमेंट सिटीज टू ऑप्टेन द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग नेरी फॉर द डेवलपिंग प्रिवेंटिव एंड द करेक्टिव मिजॉस एंड टू अंडरस्टैंड नेचुरल क्लेंसिंग प्रोसेसोंग अंडर गोइंग इन द इनवायरमेंट थ्रू द पॉल्यूशन डायल्यूशन वेंड वेस्ट मूवमेंट ड्राई डिपोशन परसेप्शन एंड द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉल्यूटिन जनरेटेड तो ये याद कर लेना ये सारी चीज लिखी अच्छा कौन कौन सा आता है देखो जो नाम आपका प्रोग्राम है तो फोर एयर पॉल्यूशन इसमें आते हैं एक, एक आता है सल्फर डाइऑक्साइड एस टू आता है एक आपका आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एनओ टू और एक आता है आपका पर्टिकुलर मैटर जो आपका टेन है और पर्टिकुलर मैटर टू पॉइंट फाइव इन दोनों के बारे में पढ़ा चुका हूँ कई सारे लेक्चर्स में ठीक है ना पी एम टू पॉइंट फाइव और पी एम पी एम टेन तो ये थोड़ा दिमाग में रखना ये फाइन पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं आपके ठीक है ना और एक सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर होता है रेस्पिर ये दोनों खराब होते हैं हमारे किसके लिए रेस्पिरेशन के लिए नेक्स्ट आता है फ्री ट्रेड विद द ब्रिटेन लेट टू द डी इंडस्ट्रलाइजेशन जब अप टू एटी एटी इंडिया टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग आजकल ये न्यूज़ में काफ़ी क्योंकि अभी मीटिंग हुई है वर्चुअल मीटिंग हुई है बोरिस जॉनसन और किसके बीच में नरेंद्र मोदी के बीच में तो इंग्लैंड ट्राई कर रहा है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ आपका क्या एफ ए टी एफ नहीं एफ ए टी एफ मैं गलत बोल रहा हूँ वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं एफ टी ए साइन करें मतलब अगर भारत से कोई चीज जाती है तो वहाँ पे उस पर टैक्स नहीं लगेगा और अगर वहाँ से कोई चीज़ आती है तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा इस तरीके का पर भारत ने भी विचार नहीं बनाया है ठीक है ना क्योंकि भारत सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है क्योंकि वहाँ की कंपनियाँ आएंगी तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है भारत के लिए अगर उन पर टैक्स नहीं लगाएगा तो लिखा हुआ फ्री ट्रेड वॉज ऑनली वन साइड एज द इंडियन गुड्स वर स्टिल चार्ज विद द हैवी लिवेज ये बात की जा रही है जब uh, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो ये सही बात है जब यहाँ की तरफ सामान लाया जाता था तो उन पर क्या होता था फ्री ट्रेड होता था मतलब उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता जब यहाँ की चीज़ें जाती थी तो वहाँ पर टैक्स लगता था बिल्कुल सही है नेक्स्ट चलते हैं इंडियन हैंडमेड्स गुड्स वर एट द डिसएडवांटेज कंपीटिंग विद द मशीन बेस भारत का जो हथकरघा उद्योग था ना हैंडक्राफ्ट था वो बहुत फेमस था वर्ल्ड वाइड पूरा चौपट किया अंग्रेज़ों ने ये हमारा ठीक है ना तो वहाँ ले अगर यहाँ से कोई जाता था हैंडमेड कोई भी अगर हैंडक्राफ्ट होके जाता था तो वहाँ पर कई सारी उस पर क्या लगा दिए जाते थे टैक्सेस वगैरह लगा दिए जाते थे यहाँ का सामान जो बहुत जाता था तो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता था ठीक है ना तो भारतीय हथकरघा को बर्बाद करने का एक किसको जाता है अंग्रेजों को जाता है हैंडक्राफ्ट बहुत फेमस था वर्ल्ड वाइड भारत का तीसरा आता है ये बिल्कुल सही है तीसरा आता है इंडियन गुड्स वर नेवर पॉपुलर इन द वेस्टर्न मार्केट एंड इंडियन वेवर्स हैव हैड फ्राइड है, ओनली ऑन द इंडियन मार्केट नहीं अभी तो बता रहा हूँ वर्ल्ड वाइड हमारा क्या था फेमस था तो ये थोड़ा दिमाग बनना फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं पढ़ लेता हूँ वाइल इम्पोर्ट टू द इंडिया वॉज फ्री इंडियन गुड्स वज चार्ज एट द वेरी हाई ड्यूटी तो सिक्सटी पॉइंट फाइव परसेंट ऑन द मुस्लिम जो आपका होता था इन द ब्रिटेन सो स्टेटमेंट फर्स्ट ये दो तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट आपका क्या था हाई ड्यूटी चार्जेस लगाए जाते थे ठीक है ना फिर आता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड मेड द कॉस्ट ऑफ द फॉरन गुड्स चीपर ठीक है ना तो ये देख लो लिखा मेड द कॉस्ट ऑफ द फॉरन गुड्स चीपर इन स्पाइट ऑफ द हायर प्राइजेज इंडियन गुड्स स्पेशली मुस्लिम सिल्क वर वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड ठीक है ना इसको लास्ट रखेंगे क्वेश्चन इस पार्ट का वैसे बीस क्वेश्चन थे पर काफ़ी बड़ा चल जाएगा एक घंटे के आसपास चला जाएगा तो दस क्वेश्चन बाद में करेंगे अभी दस क्वेश्चन ही रखते हैं ठीक है ना थोड़ा लंबा जा रहा है लगभग अड़तीस मिनट तो हो गए तो लगभग चालीस पैंतालीस मिनट तो एक ही जाएगा तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश बाय तो ये यालीस यूनिवर्सिटी करती है ठीक है ना इसके साथ कोलंबिया भी है कोलम्बिया यूनिवर्सिटी भी है और इसके साथ आपका जो वर्ल्ड इकॉनमिक फॉरम भी आता है याले यूनिवर्सिटी इसलिए आज का न्यूज़ में आपने लुइस गल का नाम सुना होगा लुइस ग्लक इनको नॉबल प्राइज़ मिला है आपका नॉबल प्राइज़ मिला है और नॉबल प्राइज़ मिला है किसके लिए तो इन्हें मिला लिटरेचर में मिला है ठीक है ना ये कहाँ की हैं आपकी तो ये अमेरिका की हैं तो ये थोड़ा दिमाग में रखना याले यूनिवर्सिटी ठीक है ना लुइस ग्लक अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैंने नॉबल प्राइज़ पर बना रखी है वीडियो लुइस ग्लक से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं लिखा परफॉर्मेंस इंडेक्स तो EPI ये कैसी इंडेक्स होती है दो साल में एक बार आती है दो में आई थी अब दो द बाईस में द वर्ल्ड दालीनवर्सिटी फॉरम इट स्कोर कार्ड दट हाईलाइट द लीडर्स एंड द लेजर्ड इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड द प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर द कंट्रीज दट एसपाइड सॉरी एस्पायर टू मूव द टू सस्टेनेबल फ्यूचर दिस इंडेक्स वॉज फर्स्ट टू थाउजेंड टू पहली बार कब हुई थी दो हजार दो में पब्लिश हुई थी ये आपने याद रखना है 2020 का अगर देखें मेजोर द इवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ द दी कंट्रीज में शामिल थी द इंडेक्स 32 इंडिकेटर्स ऑफ द इंडिकेटर्समेंटल परफॉर्मेंस एंड द इंक्लूड द 10 इयर्स ट्रेंड्स इन द इनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एट द नेशन एंड द ग्लोबल लेवल पहले नंबर पर आपका डेनमार्क था ये आपने याद रखना है दो में एटी टू पॉइंट में से स्कोर किया था इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था ट्वेंटी आउट ऑफ द हंड्रेड इन द टू प्या इंडेक्स इट परफॉर्मेंस वॉज वर्स दैन द साउथ एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट अफगानिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ के सबसे पीछे थे ठीक है ना तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि भारत की रंगिंग बहुत अच्छी नहीं थी डेनमार्क नंबर वन पे था एन्वायॉयरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी की गई थी 2002 में की गई थी कौन बनाती थी याली यूनिवर्सिटी विद द कोलम्बिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम इसको तैयार करता है बायनल रिपोर्ट है हर दो साल में आपकी कहती है रिलीज़ होती है ठीक है ना तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और दस क्वेश्चन फिर मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ ठीक है ना तो ये आ, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस वाली पी का जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना साठ तक तो एक साथ ही क्या कर दूंगा पी डी क्या कर दूंगा कम पी एक ही बनेगा तो पी डी मैं क्या कर दूंगा शेयर कर दूंगा जो साठ क्वेश्चन तक होगा आपका इकतालीस से लेके साठ तक तो ये थोड़ा दिमाग में रखना तो चलिए तब मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय जय भारत